दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही मजेदार आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। इस आविष्कार के बाद दुनिया भर में धूम मच गई थी और इसका इस्तेमाल आज हर कोई कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि बॉल पेन का आविष्कार कब और किसने किया था और इसके आविष्कार के पीछे क्या कहानी थी। हंगरी के रहने वाले लेज़लो बीरो पेशे से एक प्रूफ रीडर थे। पांडुलिपियों की छपाई के बाद उनके पुस्तक आदि रूप में छपने से पहले मात्राओं को सुधारना उनका काम था। इस काम को अंजाम देने के लिए उनके पास एक प्राचीन तरह का पेन था, जिसे चलाने के लिए उन्हें उसको बार बार पास में रखे स्याही के दवात में डुबोना पड़ता था। इस तरह के पेन का इस्तेमाल करना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था और ये कोई सुविधाजनक काम भी नहीं था। इस तरह के पेन के इस्तेमाल के दौरान पन्नों पर स्याही फैल जाने का डर भी हमेशा बना रहता था। अंततः लेज़लो ने एक ऐसे पेन का आविष्कार करने की सोची जिसे बार बार स्याही में डुबोना ना पड़े। अपने इस विचार को उन्होंने अपने लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया, पर उनके दोस्त उनके इस विचार को महज बेवकूफी ही मानते थे। लेज़लो ने अपने मित्रों की बातों को महत्व नहीं दिया और वे अपने भाई के साथ अपने सपने को साकार करने में जुट गए। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी कल्पना के नए पेन के निर्माण के लिए अनेक तरह के जतन किए। अंततः उनके मन में अपनी कल्पना के उस पेन की नोक पर एक छोटी सी धातु की गोली लगाने एवं पेन भरने के लिए गाढ़ी स्याही का ख्याल आया। लेज़लो के मन में आया यह ख्याल ही आज प्रचलित बॉल पेनों के निर्माण की नींव था। यद्यपि लेज़लो का विचार क्रांतिकारी था, परंतु फिर भी उसे सुधार के कई चरणों से गुजरते हुए पूरी तरह सफलता प्राप्त करने में कई वर्ष लग गए। इस तरह के बॉल पेन्स का जब प्रथम बार निर्माण हुआ तो इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इस तरह के पेन महंगे तो थे ही साथ आम लोगों को भी इन्हें खरीदने में कोई रुचि नहीं थी। आश्चर्य की बात यह है कि इन बॉल पेन्स को ख्याति दिलाने के पीछे मुख्य हाथ द्वितीय विश्व युद्ध के फाइटर पायलट्स को जाता है। उस समय फाउंटेन पेन्स में हवाई यात्रा के दौरान अधिक ऊंचाई पर स्याही का स्राव होना एक आम बात थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स ने अपने हवाई योद्धाओं के लिए सर्वप्रथम इन बॉल पेन्स का इस्तेमाल किया। अधिक ऊंचाई पर मौजूद अत्यधिक दबाव में भी इन पेन्स की स्याही नहीं फैलती थी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बॉल पेन्स आम लोगों में भी धड़ल्ले से प्रचलित हो गए और उसके बाद ये पूरे विश्व में छा गए। आज हालात ये हैं कि फाउंटेन पेन मांगने पर भी शायद ही मिले और बॉल पेन जरा मांग कर तो देखिए, एक नहीं दो नहीं हजारों आकार एवं प्रकार में प्राप्त हो जाएंगे।